हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल कामिया क्रिएशन। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग वीडियो, जो कि है मेरे फर्स्ट टाइम ऑनलाइन शॉपिंग रिव्यू। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम शॉपिंग किया था तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती थी कि पता नहीं खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ, अगर खरीद लिया बेकार प्रोडक्ट आया तो फिर मैं क्या करूँगी, ये वो दुनिया भर की बातें चलती रहती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो भाई, एक तो ट्राई कर ही सकते हैं, एक ट्राई क्या जा रहा है। तो इसलिए मैंने जो है ऑर्डर किया, मुझे रिसीव हो गया है प्रोडक्ट। तो मैंने सोचा कि भाई मेरे जैसे कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनके दिमाग में इतनी सारी बातें चलती रहती होंगी, जो लोग खिचड़ी पकाते रहते होंगे दिमाग में। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत हैप्पी हूँ मैं, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा रिसीव हुआ है, जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा रिसीव हुआ है। तो चलिए मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि मुझे किस तरह का प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। तो ये देखिए, टिन का बॉक्स है, काफ़ी प्यारा सी क्वालिटी में है, हेलो किटी इस पे लिखा हुआ है और बहुत ही प्यारा लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। तो चलिए मैं इसे फटाफट से ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, और ये मैं ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है, लिप्स, आई शेडो, आईब्रोज, फाउंडेशंस एंड सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, लिपस्टिक वगैरह आई जो भी है सब कुछ लिखा हुआ है। एंड मैं ऊपर देखिए, ये टोटल 7 ब्रशेज हैं, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, पिंक कलर में है जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, बेबी पिंक कलर का है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं वन बाय वन करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये फर्स्ट है हमारा पाउडर ब्रश, जो कि आप पाउडर ब्रश की तरह यूज़ कर सकते हैं, एलू की टीस पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, हैंडल जो है वुडन का है, ऊपर जो है जो लगा हुआ है ये मेटल का है, और ब्रशेस भी काफ़ी सॉफ्ट हैं, जैसा मैंने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये मेरा फर्स्ट ब्रश था, और ये सेकंड ब्रश, तो ये सेकंड ब्रश है एंड सेम क्वालिटी है इसकी, बहुत अच्छी ब्रशेस हैं, बहुत प्यारा है, आप इसे फाउंडेशन ब्रश की तरह यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये भी। तो आप देख ही सकते हैं, मैं देखिए कितना इसे टच कर रही हूँ, फिर भी कुछ फॉल आउट नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये मेरा सेकंड ब्रश था, और थर्ड ब्रश ये है, ये थर्ड ब्रश ये है, और ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, स्पंज का है, तो आई शेडो लगाने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, ये दो ब्रशेज हैं, ये सेम है, एक थोड़ा सा चौड़ा है और एक चौड़ाई में थोड़ा सा कम है, पर दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं, आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं आई मेकअप के लिए एंड कॉन्टोर वगैरह के लिए। एंड ये देखिए, ये एक पेंसिल टाइप, सॉरी फ्लैट ब्रश है ये, और ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, तो आप इसे काजल स्मच कर सकते हैं, आईब्रो भी फिल कर सकते हैं, जितना मुझे पता है मैं उतना आपको समझा देती हूँ, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, अपने हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। और ये देखिए, ये पेंसिल ब्रश है, ये भी काफ़ी अच्छा है, ये मेरे पास था भी नहीं, तो मुझे ये मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ इससे, और काफ़ी अच्छा है, आप इसे आईब्रो फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे मेरे 7 ब्रशेस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिएगा, और बताइएगा मेरा वीडियो।